हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुएथिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी कि जो न्यू किंग्स और न्यू किंगडम्स हैं उनका इमर्जेंस, न्यू डायनेस्टीज का बनना, नई डायनेस्टीज का आना। ठीक है, तो कैसे बनी, ठीक है, वो सब हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सामंता, टेम्पल, नाडू। ठीक है, तो पेज नंबर 25 तक करेंगे हम, नॉट इन दिस वीडियो, इस वीडियो तक तो ये पार्ट वन रहेगा, नेक्स्ट वीडियो तक हम 25 तक करेंगे, पेज नंबर 25 तक। ओके, सो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको कुछ वो दे रखे हैं, कुछ प्लेसेस दे रखे हैं, उन्हें हमें लोकेट करना है। पहले तो है गुर्जारा प्रतिहाराज, चलिए लेट्स लोकेट इट, वेयर इज इट। तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे है। ओके, देन राष्ट्रकूटास, वेयर इज राष्ट्रकूटास, इट इज हियर। फिर क्या है, फिर है हमारा पैलेस, ये कहाँ पे है। पहले तो चोलाज देखिए, हमको चोलाज मिल गया। ठीक है ठीक है, देन चाहमनाज, ये चाहमनाज है, ये हमारा। अब पालास कहाँ पे हमारा, ये हमारा पालास है। ठीक है, तो हमने देखे हमको सारा हमने लोकेट कर लिया। अब हम देखते हैं दी एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। तो देखिए कैसे जो न्यू डायनेस्टीज हैं, इनका एमर्जेंस हुआ है, कैसे राइज करा इन्होंने, कैसे आई नई डायनेस्टीज, कैसे आई। तो देखिए 7th century के दौरान बहुत सारी बिग लैंडलॉर्ड्स जो थी, या फिर उनको वॉरियर चीफ्स भी हम कहते थे, इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में वॉरियर चीफ्स होते हैं जिन्हें हम लैंडलॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, वो हुआ करते थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड और एक्सेप्ट देम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और सामंतास। तो देखिए अगर मैं पूछूं कि किंग का सबॉर्डिनेट कौन होता था, तो वो सामंतास होते थे। अब सामंतास क्या होते हैं, देखो सामंतास जो होते थे वो किंग के सबॉर्डिनेट्स होते थे, दे आर सबॉर्डिनेट टू किंग। ठीक है, दे आर सबॉर्डिनेट्स टू किंग, वो किंग के सबॉर्डिनेट्स होते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, वो किंग के लिए गिफ्ट्स लाते थे, किंग या ओवरलॉर्ड, किंग्स को हम ओवरलॉर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, किंग्स आर ऑफन कॉल्ड ओवरलॉर्ड्स। ठीक है, तो वो किंग के लिए, जो सामंतास होते थे, किंग के लिए क्या लाते थे, बहुत सारे गिफ्ट्स लाते थे। जो कोर्ट होता है जहाँ पे किंग बैठता है, वहाँ पे वो प्रेजेंट होते थे और उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। अब जैसे जैसे जो सामंतास होते थे बहुत पावर और वेल्थ गेन कर लेते थे, ठीक है, वो अपने आप को डिक्लेयर करते थे एज महासामंता, वो अपने आप को महासामंता डिक्लेयर कर लेते थे, और फिर महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ और रीजन। ठीक है, एंड सो ऑन। कभी कभार क्या होता था, देखो दे एसर्टेड और डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। अब ओवरलॉर्ड्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलॉर्ड्स, ओवरलॉर्ड्स मतलब होता है किंग। ठीक है, किंग, ओवरलॉर्ड यानी कि किंग। तो कई बार क्या होता था, जब वो बहुत सारा पावर गेन कर लेते, पावर वेल्थ है ना, और फिर वो महासामंता जब वो बन जाते थे, तो वो क्या करते थे, वो किंग के साथ धोखा कर लेते थे। ठीक है, वो किंग से इंडिपेंडेंट पा लेते थे, किंग का साथ छोड़ देते थे। ठीक है, एंड वो सब मिलिट्री सपोर्ट जो है वो अपने साथ ले लेते थे, तो वो किंग से इंडिपेंडेंट, किंग से दूर चले जाते थे, और वो अपने आप की मतलब दे समटाइम्स दे असेटेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, जब वो महासामंता बच जाते थे
तो वो किंग से क्या करते थे, छुटकारा पा लेते थे, वो महासामंता जब वो बन जाते थे, जब वो बहुत ज्यादा वेल्थ गेन कर लेते थे। ठीक है, हमको एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक इंस्टेंस दे रखा है राष्ट्रकूटास इन द डेकन। तो डेकन एक प्लेस, एक जगह है डेकन, ठीक है। वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे राष्ट्रकूटास हुआ करते थे, ठीक है। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यास, तो चालुक्या डायनेस्टी जो हुआ करती थी कर्नाटक की, ठीक है। तो उसका जो सबॉर्डिनेट थे वो कौन थे, राष्ट्रकूटास थे, ठीक है। इन द मिड 8th सेंचुरी, तो मिड 8th सेंचुरी के दौरान जो दांती दुर्गा थे, राष्ट्रकूटा का चीफ, राष्ट्रकूटा के जो लीडर थे, ठीक है, उसका चीफ या लीडर जो था वो था दांती दुर्गा, ओवरथ्रू इज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्मड अ रिचुअल को हिरण्य गर्भा। तो उसने क्या किया, वो उसने भी ऐसा ही कुछ किया। वो क्या था, सामंता था, किसका सामंता था, दांती दुर्गा चालुक्या का, ठीक है। देखो मैं पूरा बताती हूँ आपको, राष्ट्रकूटास जो हुआ करते थे, ठीक है, वो चालुक्या एक डायनेस्टी थी कर्नाटक की, ठीक है। वहाँ उनके सबॉर्डिनेट हुआ करते थे, उनके जो चीफ या उनका जो लीडर था वो था दांती दुर्गा, ठीक है, सामंता थे वो बेसिकली, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उस वो जब वो महासामंता बन गया, जब उसने बहुत पावर गेन कर ली, तो उसने भी कुछ ऐसा ही किया, उसने चालुक्या को जड़ से उखाड़ दिया, ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल, एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम होता है हिरण्य गर्भ। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है दी गोल्डन बॉम्ब। इसमें क्या होता है, जो इस रिचुअल में विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, इस रिचुअल को करवाने में ब्राह्मण्स की बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होती है। तो इस रिचुअल में क्या होता है, रिबर्थ होता है ऑफ अ न्यू रिलीजन, ठीक है, बेसिकली रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइजर एज अ क्षत्रिय। तो एक न्यू रिलीजन का रीबर्थ होता है, वो होता है क्षत्रिय, यानी कि जैसे आप जब पैदा हुए, ठीक है, तो ये मतलब आप जब पैदा हुए हो तो फिर आपका आप मतलब ब्राह्मण हो मान लो, या फिर आप क्षत्रिय नहीं हो के कुछ और रिलीजन से हो आप, ठीक है। तो अगर जब आप ये हिरण्य गर्भा का रिचुअल कराओगे तो आपको एक नया रिलीजन मिल जाएगा जो है क्षत्रिय, तो और वो कराया था किसने, दांती दुर्गा ने। इन अदर केसेस, तो देखिए हमने पहला पॉइंट देखा, पहला पॉइंट हमने क्या देखा, जो सामंतास होते थे जब वो बहुत सारे पावर गेन कर लेते थे और वेल्थ गेन कर लेते थे, तो फिर वो अपने आप को महासामंता अपने बना लेते थे, डिक्लेयर कर लेते थे, और वो जो अपने ओवरलॉर्ड्स, अपने जो किंग्स हैं उनसे छुटकारा पा लेते थे और खुद राजा बन जाते थे, ठीक है। देन हमने राष्ट्रकूटा का एक एग्जांपल देखा था, ठीक है, मतलब चालुक्या का, कि राष्ट्रकूटा का जो लीडर था दांती दुर्गा, ठीक है, उसने क्या किया था, उसने चालुक्या डायनेस्टी जो थी उसको जड़ से उखाड़ के जब वो बहुत ज्यादा महासामंता बन गया था दांती दुर्गा, तो उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया हिरण्य गर्भा, ठीक है, और उसको उसने अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये है, जो लोग एंटरप्राइजिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, वो अपनी मिलिट्री स्किल्स को यूज करते थे और एक किंगडम कार्व आउट करते थे, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हमने देखा, ठीक है, जिसमें एक न्यू डायनेस्टी इमर्जेंस, न्यू डायनेस्टी का इमर्जेंस हुआ, उसमें क्या, इसमें क्या हुआ, जो रिच मैन होते थे, ठीक है, वो मिलिट्री स्किल्स को यूज करके एक किंगडम कार्व आउट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कदम्बा मयूर शर्मा और गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र, ये दो ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशंस जो है उसको गिव अप कर दिया और हाथों में हथियार ले लिया, ठीक है, एंड दे सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटक एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, फिर है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, मैनी ऑफ दीज न्यू किंगडम्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजा अधिराजा, ठीक है।
तो जब ये किंग्स जो है, ये किंग्स जो है ये अपने आप को हाई साउंडिंग टाइटल्स जो है वो अपने आप को देते थे, जैसे महाराजा, अधिराजा, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, ठीक है, देन त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो आपको उसके मीनिंग्स पूछा जा सकता है। त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब तीनों लोकों के नाथ, त्रिलोकनाथ, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर पावर विद देयर सामंतास एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीसेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। तो देखिए, इन बातों के अलावा जो भी हमने पढ़ी, दे ऑफन शेयर, तो अपनी पावर जो है वो सामंतास से शेयर करते थे, अपनी थोड़ी पावर, ठीक है, फिर पीजेंट्स को, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स को भी। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोड्यूसर्स। तो हर स्टेट में जो रिसोर्सेज है वो प्रोड्यूसर्स से ऑब्टेन किए जाते थे, जैसे पीजेंट्स और कैटल कीपर्स। पीजेंट्स से प्रोड्यूस करते हैं वीट, अनाज, खाना पीने का, ठीक है, कैटल कीपर्स मिल्क, एंड आर्टिशियंस हुवर ऑफन परस्यूएटेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। यानी कि आर्टिशियन से क्या किया जाता था, जो भी उन्होंने पेंटिंग करी है, जो भी उन्होंने बनाया है, उसको वो सरेंडर करते, ठीक है, उनसे सरेंडर करवा देते थे। तो यानी कि देखिए, आर्टिशियंस मतलब उनसे क्या करवाया जाता था, जो भी उन्होंने बनाया है, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस की है चीज़, उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो उनसे मांगा जाता था, ठीक है। तो देखिए, जो आर्टिशियंस जो चीज़ बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे, उसको बेच के जो थोड़ा सा हिस्सा होता था, जो पैसे आते थे, उसको बांटा जाता था, मांगा जाता था, ठीक है, बात की। समटाइम्स देवर क्लेम्ड एज रेंट, तो कई बार उसको एज रेंट बोला जाता था, ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड। तो देखो, ऐसा माना जाता था कि वो जो पूरा लैंड है जहाँ पे किंग रहता है और लोग रहते हैं, वो माना जाता था कि पूरा लैंड जो है वो किंग का है, किंग ने उसको ओन किया है। तो उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसमें तो थोड़ा सा हिस्सा है वो किंग को दिया जाता था। जैसे हमने देखा पीजेंट्स, पीजेंट्स जो है वो क्या, वो वीट बेचते थे, तो वीट का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो किंग को जाता था। अगर वो वीट बेच रहे हैं तो उनको मनी मिलेगा, वो जो मनी है वो किंग के पास जाएगा, ठीक है, या फिर वो जो पीजेंट्स है, जो पीजेंट जो है वो वीट को दे देते थे, राइट, हल्क थोड़ा सा वीट जो है वो किंग को दे देते थे। कैटल कीपर जो है वो मिल्क जो है वो बना मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करते थे, बस कैटल होती थी, ठीक है, तो कैटल कीपर्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा किसके पास जाता था, किंग के पास जाता था एज रेंट, ठीक है। आर्टिशियंस जो है वो क्या बनाते थे, वो पेंटिंग्स बनाते थे, वो पेंटिंग्स जब बेचते थे तो उसके बाद जो मनी आता था उसका थोड़ा हिस्सा जो है वो किंग को दिया जाता था एज रेंट, ठीक है। तो कई बार क्या होता था, इन सब चीज़ों को एज रेंट जो है क्लेम किया जाता था, वो इसलिए किया जाता था क्योंकि ये माना जाता था कि वो जो पूरा लैंड है, उस लैंड में जो कुछ भी हो रहा है वो किंग के पास जाएगा, थोड़ा थोड़ा किंग के पास जाएगा, क्योंकि उसने वो लैंड ओन किया है, ठीक है, वो की चीज़ किंग के पास जाएगी थोड़ी थोड़ी एज अ रेंट। सो रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था ट्रेडर्स से, 400 टैक्सेस। तो देखिए, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास, जो चोलास के इंस्क्रिप्शंस हैं इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। तो पहला जो टैक्स है वो है वेटी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड टैक्सेस वेटी, टेकन नॉट इन कैश, जो कैश के तरीके से नहीं दिया जाता था, बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, और एक होता है कादामाई या फिर लैंड रेवेन्यू। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, the use of ladder to climb palm trees, assess on succession of family property, etc. तो इन सब चीज़ों में टैक्स लगाया जाता था।
दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग एस्टेब्लिशमेंट। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती है जो कि जो किंगडम है उसको चलाने के काम आती है, जो टैक्सेस होते हैं ठीक है, इससे जो भी मनी आता है राइट, तो ये किंग को चलाने में काम आता है ठीक है, किंगडम को चलाने में काम आता है। एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट फॉर्स। ये मनी जो है जैसे वॉर्स लड़नी है ठीक है, तो उनके भी काम आता था ये मनी जो है फॉर टू फाइट फॉर्स ठीक है, विच वर इन टर्न एक्सेप्टेड टू लीड द एक्विजिशन और एक्वायर ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर। प्लंडर मतलब होता है लूटपाट एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट। जो फंक्शन तो फंक्शनरीज होती थी, फंक्शनरीज जो होती थी फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड। तो देखिए जो ऑफिशियल्स लिए जाते थे रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए वो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज यानी रिच फैमिलीज से लिए जाते थे, और जो पोजीशंस होती थी वो हेरिडेटरी होती थी ठीक है। दिस वॉज ट्रू अबाउट आर्मी एज वेल इन मैनी केसेस। तो देखिए किंग क्या करता था, किंग रिच फैमिली से लोगों को लेता था, लोगों को छाटता था और उनको काम देता था क्या, रेवेन्यू कलेक्ट करने का। फिर क्या होता था, दूसरी चीज़ दूसरा पॉइंट ये है कि किंग जो अपने क्लोज रिलेटिव्स को क्या करता था, क्लोज रिलेटिव्स को काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशंस देता था, जैसे कि आर्मी में ठीक है, आर्मी में अच्छी पोजीशन दे देता था। तो ये किंग ऐसा करता था ठीक है। तो देखिए हमने अभी पार्ट वन था ये हमारा, कैसा लगा वीडियो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा थोड़ा सा बच रहा है, हमारा बच रहा है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स ठीक है। उसके बाद है व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, तो हमको पेज नंबर 25 तक ही करना। फिर है वारफेयर फॉर वेल्थ, अ क्लोजर लुक द चोलास, यहाँ तक हमें करना है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।